तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है फ्रीडम सेक्टर के ऊपर। और यहाँ पर एनालिसिस करेंगे हम निफ्टी और निफ्टी बैंक का, और समझने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, कल के दिन किस किस लेवल का आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, नहीं तो आप इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पर मिस कर देंगे और मार्केट से कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरोधा को हमने कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर यूज किया है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो हमने कल के वीडियो में ही आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको क्या बोला था, आज वही मार्केट में आपको देखने को मिला है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर से देखिएगा, एक स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर की थी, ये स्ट्रेटजी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जिरोधा के अंदर हमने यहाँ पर निफ्टी बैंक का चार्ट लगाया हुआ है। आज हमारा मार्केट जो है वो यहाँ पर ओपन हुआ था, या सॉरी, आज हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पर ओपन हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट गिरावट शुरू हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट में आपको सुबह सुबह गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से ये वीडियो जरूर से देखिएगा, ठीक है, इससे आपको नॉलेज काफी ज्यादा मिलती है। तो वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा करें, क्योंकि मार्केट में अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आज हमारा मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली ही कैंडल पे रेड कैंडल बनती है। जैसे ही मार्केट ओपन होता है पहली ही कैंडल यहाँ पर रेड बनती है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है और डायरेक्टली उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है, जो कि हमने आपको कल बता दिया था कि कल मार्केट में सुबह सुबह आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहां से ही मार्केट रिवर्स होता है और ऊपर चला जाता है। और अगला जो इसका रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 41,620 के आसपास यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वहां से आकर मार्केट नीचे गिरता है और उसके बाद क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल के दिन ही हमने आपको यहाँ पर बता दिया था कि सुबह सुबह मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आज का क्या डेटा रहेगा वो भी आपके लिए समझना जरूरी है, कल कौन कौन से लेवल्स का आपको ध्यान रखना है ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए मार्केट जो है ना अभी यहाँ इस चीज के इस वाले जोन में ना फंसा हुआ है, ठीक है। जो एक यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 41,000 तकरीबन 41,000 का यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट निकलता है तभी आपको यहाँ पर भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर तेजी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेजी भी आपको देखने को मिलेगी। पहले हम यहाँ पर अगर मार्जिन मार्केट में गिरावट शुरू हो जाती है तो किस किस लेवल का आपको ध्यान रखना है, चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 40,960 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे निकलने की कोशिश करता है, एक बढ़िया सी हेल्दी रेड कैंडल बन जाती है, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट जाने वाला है। और उसके बाद जो आपको पहला टारगेट मिलेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो मिलेगा 40,780 का, ठीक है। ये टारगेट अगर आपका अचीव हो जाता है तो उसके बाद दूसरा टारगेट आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है ये वाला, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 41,100 का है, ठीक है। तो मार्केट में अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में कल के दिन गिरावट होती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो अगला सपोर्ट यहाँ पर इसको तोड़ने देना है 40,900, यानी 40,900 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो अगला जो लेवल है वो 40,800 तक का आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर 100 पॉइंट आपको इजीली मिलते हुए आपको दिख जाएंगे। अगर इसको भी ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो 40,128 का लेवल आपको नीचे की तरफ देखना है, ये यहाँ पर चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करते हैं कि मार्केट नीचे ना जाने के बजाय ऊपर जाने की कोशिश करता है तब हमें क्या करना है, ये समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6 फरवरी को भी इसी रेजिस्टेंस से मार्केट वापस आया था और मार्केट साइडवेज हो गया था, ठीक है। और आज की अगर बात करें इसी रेजिस्टेंस से मार्केट ऑलमोस्ट नीचे आया और उसके बाद ऊपर जाके नीचे ही क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल है 41,628 का। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनती है और उस कैंडल्स के अंदर आपको बायर्स नजर आते हैं तो जाहिर सी बात है जो अगला लेवल है वो आपको 42,000 तक का देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर इस वाले लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देता है, मान लीजिए मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, तो अगला जो लेवल रहेगा
प्राइस सेक्शन के हिसाब से वो रहेगा आपका ये वाला लेवल जो कि है 42,700, 700 का मान लीजिए कि 42,700 तक मार्केट जा सकता है। मार्केट में अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है और इस वाले लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलता है तो अगला लेवल आपको 42,757 का देखने को मिल सकता है। ये रही बैंक निफ्टी की बात। यहाँ पर हमने चार्ट को एनालिसिस कर लिया है, ऑप्शन चेन का डेटा भी देखना बहुत जरूरी है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखाने जा रहा हूँ। आज की बात की जाए 41,490 यानी कि 41,500 के आसपास हमारा बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अगर पुट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18,90,000 के आसपास पुट राइटर्स आपको दिखाई देंगे और 33% का चेंज आपको दिखाई दे रहा है। और अगर कॉल की तरफ देखेंगे तकरीबन 28 लाख के आसपास आपको यहाँ पर कॉल राइटर्स दिखाई देंगे और 10% का चेंज आपको दिखाई दे रहा है। इससे क्या पता लगता है? इससे मार्केट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कॉल राइटर्स जो है यहाँ पर ज्यादा है 28 लाख और इधर देख सकते हैं 19 लाख, यानी कि 9 लाख का अंतर है। लेकिन इधर चेंज जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं 33% का है और इधर सिर्फ 10% का चेंज आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे यही पता लग रहा है कि मार्केट में कल के दिन भी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है और उसके बाद, क्योंकि ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है 41,500 के ऊपर जाएगा तभी मार्केट में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। कल के दिन आपको ये वाला जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 41,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तभी आपको बाइंग के बारे में सोचना है, नहीं तो आपको सेलिंग के बारे में ही सोचना है। उसके बाद मार्केट कहां तक जा सकता है ये भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए मार्केट जाने को तो एक सपोर्ट जो है वो 41,400 पे भी है, जहां पर तकरीबन 8 लाख के आसपास, 8.5 लाख के आसपास पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर 300 की बात की जाए तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8.5 लाख के आसपास पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और एक बड़ा जो सपोर्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 41,000 पे आपको जाता हुआ दिख सकता है। अगर मार्केट 41,500 के नीचे निकलता है तो आपको सेलिंग के बारे में ही सोचना है, बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। अब बात करते हैं कि मार्केट मान लीजिए कल को ऊपर निकल जाता है तब आपको क्या करना है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए 41,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो अगला जो लेवल आपको देखने को मिलेगा 41,600 का देखने को मिलेगा, फिर 700 का, फिर 800 का और फिर 900 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। 42,000 पे काफी बड़ा रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो आज जहां हमारा मार्केट क्लोज हुआ है ये काफी लेवल है जो कि है 41,500। अगर इसके नीचे रहेगा तो आपको सेलिंग के बारे में सोचना है और अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको बाइंग के बारे में सोचना है। ये रहा बैंक निफ्टी का डेटा जो मैंने आपको बता दिया है। अब निफ्टी के अंदर क्या होगा ये भी जानना ज्यादा जरूरी है, तो चलिए निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पर खोल लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले चार्ट को एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर लगाएंगे और आपके सामने एनालिसिस करेंगे भाई निफ्टी के अंदर कल के दिन आपको क्या करना है। देखिए अगर आज की बात की जाए तो हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन हुआ 9:15 पे, पहली रेड कैंडल बनी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गया जो कि हमने कल ही आपको बता दिया था कि कल आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सुबह सुबह जिसने यहाँ पर पुट बाय किया होगा काफी बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तकरीबन 150 पॉइंट यानी तकरीबन 150 पॉइंट की गिरावट हुई है निफ्टी के अंदर, ठीक है? बैंक निफ्टी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा हुई है लेकिन अगर आप निफ्टी के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं तो 150 पॉइंट की गिरावट आप यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुई है 4:15 का, ऑलमोस्ट 4 घंटे का टाइम लगा, ठीक है? तो यहाँ पर आज जिसने यहाँ पर पुट बाय किया होगा उसका काफी बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा, जिसने सुबह सुबह पुट को बाय कर लिया होगा, ठीक है? तो आज की अगर बात की जाए तो हमारा जो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इसके अंदर भी बन रही है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन के आ रही है जो कि बैंक निफ्टी के अंदर भी बन के आ रही थी। और वो ट्रेंड लाइन कहाँ पर है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन के आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पर चलिए मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने ही, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लगा दी। एक रेजिस्टेंस तो आपका ये हो गया, एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया जहाँ से मार्केट आज ओपन हुआ और गिरावट शुरू हो गई। और उसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ आज जहाँ पर हमारा मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है? तो जो ये वाले लेवल है इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जो कि 17,700 के नीचे, 17,700 के नीचे अगर हमारा निफ्टी निकलता है तो निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और जो अगला लेवल आपका रहेगा वो रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला लेवल रहेगा आपका 17,500
84 का, यानी कि 17,600 का लेवल आप मान सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करता है, 17,700 के नीचे निकलता है, तो 17,600 का लेवल आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। ये बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसके भी नीचे जाता है तो फिर अगला लेवल आपको ये देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,500 का है। ये वाला लेवल आपको ध्यान रखना है अगर कल के दिन बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश करता है। मान लीजिए मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो अगला लेवल आपको देखने को मिल सकता है 17,870 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर रजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अगर मार्केट इसी बीच में कहीं आसपास घूमता रहता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो नीचे आता है तो आपको सेल करना है। और अगर यहाँ पर सस्टेन करता है मार्केट, मान लीजिए कल यहाँ पर आसपास कहीं ओपन हो जाता है, साइडवेज यहाँ पर मार्केट चलता है थोड़ी देर और उसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो अगला जो लेवल आपको मिलेगा 17,800 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो अगला लेवल मिलेगा 17,870 का, ठीक है। तो ये लेवल रहेंगे निफ्टी के अंदर। अब देख लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन। निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देखना बहुत जरूरी है, उससे हमें काफी ज्यादा लेवल्स का पता लग जाता है, बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगता है। तो आपके सामने ज़ीरोधा के अंदर हमारा जो ऑप्शन चेन है वो खुल के आ रहा है, बस एक सेकंड का यहाँ पर टाइम लगता है और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन चेन खुल के आ जाएगा और यहाँ पर समझेंगे कि मार्केट में कल के दिन क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी आज हमारा क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 17,721 के आसपास, ठीक है, यानी कि 17,750 के लेवल पे अभी हमारा बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको पता है कि इसके ऊपर जा सकता है, ठीक है, और अगर इसके नीचे रहता है तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 63 लाख के आसपास यहाँ पर आपको पुट राइटर्स दिखाई देंगे, 31% का चेंज है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो 17,800 के लेवल पे काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 95,000.8 लाख के आसपास यहाँ पर आपको कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी तकरीबन 95 लाख के आसपास आपको यहाँ पर कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 17,800 के ऊपर जाना निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इसके ऊपर निकलता है तभी आपको मार्केट में कुछ ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, कल के दिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये 17,800 का लेवल। तो निफ्टी के अंदर भी सेम वही चीजें दिख रही हैं कि निफ्टी के अंदर भी कल के दिन आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी यहीं आसपास कहीं मिल जाता है तो आपको सेल के बारे में सोचना है, 17,800 के ऊपर निकलता है तो आपको बाय के बारे में सोचना है, और अगर 17,700 के नीचे निकल जाता है तब अगला लेवल आपको देखने को मिलेगा 17,600 का। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक काफी बड़ा सपोर्ट भी है, एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,700 पे है, और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 17,800 पे है, यानी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में काफी बड़ी यहाँ पर जंग चल रही है। अब देखते हैं कल के दिन कौन जीतता है। वैसे अगर बैंक निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी के अंदर भी कल गिरावट हो सकती है, 17,800 के ऊपर निकलना निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से किया करें, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कल जो हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपका प्रॉफिट जरूर बना होगा, तो वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। कल ही हमने आपको बता दिया था कि आज के दिन मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से किया करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला जो आइकन होता है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको ऑल पे जरूर सेट किया करें। जैसे ही आप यहाँ पर ऑल पे सेट करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और टाइम पे आप सारी चीजें स्टडी कर पाएंगे और मार्केट में अपना प्रॉफिट बना पाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।